बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार के 3800 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार जाने वाला है। जी हाँ, ये मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट आया है कि बिहार की गर्माहट जो है एक बार फिर से मौसम में बढ़ने वाली है। पारा दिन के समय तो 44-45 डिग्री रह ही रहा है, रात में भी यही स्थितियां बनने वाली है। और ये कब तक होगा इसके बारे में भी मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जो है वो जारी कर दिया। आपको बताएं कि बिहार में पिछले 3 दिनों से जानलेवा गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मौसम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पारा लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। कल की चर्चा करें तो बिहार की राजधानी पटना में 43 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मापा गया है। दोपहर 3 बजे तक 43 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि रात के समय में हल्की हवाओं के चलने से मौसम में थोड़ी सी नमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी आज सुबह की बातचीत करें तो राजधानी पटना के मौसम में गर्माहट बरकरार है। हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो गर्म हवा चल रही है। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। जिनको ज़्यादा ज़रूरी है वहीं घर से बाहर निकले, और घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे और अपने स्किन की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ निकले, क्योंकि जो गर्म हवा चल रहा है वो सीधा उसका असर स्किन पे तो पड़ ही रहा है, फेफड़ों पर भी उसका असर पड़ सकता है। अंदर की तरफ जो गर्म हवाएं जाएंगी, इससे कहीं ना कहीं बीमारियां अपने साथ वो अंदर लेके घुसेंगी हवाएं। आपको बताएं कि बिहार के ऐसे ही न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि तमाम जो ज़िले हैं उन जिलों की स्थितियां बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दिन के समय जो तापमान रहेगा वहीं अगले 3-4 दिनों तक रात के समय में भी तापमान वैसे ही बना रहेगा। अतः आप सभी जो भी लोग हैं, घर में रहे, जिनको काम नहीं है वो घर में रहे, जिनको काम है ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं या फिर दुकान चलाते हैं या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो जीते हैं, तो वैसे लोगों के लिए मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने चेहरे के प्रति, अपने स्क्रीन के प्रति आप जो हैं सजग रहें, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर के निकले। आपको बता दें कि बिहार में हीट वेव का बड़ा अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, और ये कब तक रहेगा तो 5 जून तक ऐसा स्थिति बना रहेगा। बिहार में 60 दिनों में 3 दफ़ा 17 दिन हीट वेव का असर रहा है। आपको बता दें कि हीट वेव में सबसे ज़्यादा 1 जून को, यानी कि आज के दिन जो पड़ने वाला है, उसमें पश्चिम चंपारण है, सीतामढ़ी है, अररिया है, पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, खगड़िया। 2 जून की बातचीत करें तो पटना, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया, भागलपुर। 3 जून की बातचीत करें तो पटना में भी रहेगा 3 जून को, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, नालंदा, इन तमाम जिलों में। फिर 4 जून को भी पटना के सेम जो स्थितियां हैं, यानी कि अगले कई दिनों तक 5 जून तक ऐसी ही स्थितियां बिहार के सभी जिलों में बनने वाली हैं। हीट वेव का भारी असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट और सतर्क जारी कर दिया है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि मौसम की स्थितियां बहुत ख़राब हो गई हैं। फिलहाल मौसम से जुड़ी इस खबर में इतना ही। तमाम खबरें लगातार हम देंगे, लगातार हम मौसम से जुड़ी खबरें आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉक। धन्यवाद।